नंबर वन ट्रेंडिंग सॉन्ग वफाना रास आई, दो लोग जिन्होंने गाने को ट्रेंड करवाया है, हमारी डेब्यूटांट आरुषि निशांक, साथ में द गुड लुकिंग बॉय हिमांश कोहली। आरुषि, हिमांश वॉज वेल बिहेव विथ यू, तुम्हें पैम्पर किया, बदमाशी की, तुम्हें डंडे मारने पड़े, उसको सब बता दो क्योंकि मुझसे बहुत डरता है वो। Thank you so much for telling me, but it would have helped me if I would know you before. But Himanshu ke saath kaam karna bahut acha experience raha. और हिमांश बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं सेट पर, बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, तो पहले तो थोड़ा डर भी लगता था, बट नो ऐसा नहीं था। हिमांश वाज हेल्पिंग मी इवन, वो मुझे बहुत मदद भी करते थे सीन के दौरान भी मदद करते थे, और जब सीन हो जाता था तो उसके बाद हम लोग काफी बातचीत भी करते थे, होल टीम यूज टू मीट, हम लोग ने केक भी काटे हैं, हम लोगों ने गोलगप्पा पार्टीज भी की हैं। So certainly बहुत मजा आया। क्या बात है हिमांश, ये मुझे बता यार, हर म्यूजिक वीडियो में कोई ना कोई लड़की तेरे को धोखा दे देती है, तेरे को छोड़ देती है, माने लड़कियों का क्या प्रॉब्लम है तेरे साथ मेरे भाई, बता तो दो भाई। यार मुझे ऐसा लगता है कि अभी ऑडियंस को यही पसंद आ रहा है, तो ऐसा ही है, लेकिन सिर्फ धोखा और ये छोड़ना नहीं है, प्यार वाले भी बहुत सारे वीडियोस है मेरे, आप देख सकते हो यूट्यूब पे। ठीक है, दिस इज अ फ्लेवर, आई मीन एंड ऑल्सो आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि मुझे भी कुछ नया ट्राई करने को मिलता है एवरी टाइम विद अ डिफरेंट वीडियो, बट आई फील वेरी लकी कि इन म्यूजिक वीडियो को करते हुए भी आई एम स्टिल एक्टिंग इन द म्यूजिक वीडियोज rather than just being there on screen and lip syncing it, so living my actor life again. तो हिमांश तुम मुझे बताओ, तुम अपनी कितनी गर्लफ्रेंड को वादियों में ले गए हो आज तक, पहाड़ में ले गए हो मोहब्बत करने के लिए, सब बता दो अपने बड़े भाई को। चलो भाई क्या है ना, आपको तो पता है मैं कितनी बारी पहाड़ियों पे गया हूँ। इससे पहले मैं कब गया था वादियों में, यारिया में गया था वादियों में, सारी वादियां जितनी, सारे ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आपको अलावारिया बारिश सब उसी जोन के मिलेंगे, तो दिस इज द सेकंड टाइम फॉर मी एज एन एक्टर टू वंस अगेन हिट द माउंटेन्स अगेन, बट दिस टाइम द स्टोरी इज डिफरेंट। हिमांश की कितनी गर्लफ्रेंड्स रही हैं अब तक, गिनती की भाई मेरी? नहीं, अभी मैं आपको नंबर बताऊंगा तो आप मेरा परसेप्शन बना लोगे उससे, तो वो बहुत ज्यादा या कम ये आप अपने अब डिसाइड करिए, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, पर आई हैड गुड रिलेशनशिप्स, आई एम इन टच विद अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स फ्रॉम माय यूनिवर्सिटीज एंड वी ऑल आर कनेक्टेड, एंड माय गर्लफ्रेंड जितनी, जो आपको मैं नंबर अगेन नहीं बताऊंगा क्योंकि आप फिर से भावुक हो जाएंगे उसके बाद में और मेरी टांग खींचना शुरू कर देंगे, तो But yeah, good times, yeah. तो क्या हिमांश, genuinely बोलो, इस phase life में जब तुम music videos कर रहे हो, acting कर रहे हो, अपना एक space बना के रखे हो, हिमांश कहीं तुम radio इश्क और love के लिए? इश्क और love के लिए ऐसा कुछ plan नहीं किया, और मुझे ऐसा लगता है और इश्क और love के लिए कभी plan करना भी नहीं चाहिए, इश्क और love में आप अपने आप को भूल जाते हो, तो जब वो होना है वो अपने आप हो जाएगा, जब आप एक इंसान से मिलते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट आपकी रुचि होती है, तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप उनके लिए समय निकालना शुरू करते हैं, उनके अनुसार उनके हिसाब से आप अपने आप में चेंजेस लाना शुरू करते हैं क्योंकि वो आपको भी अच्छा लगता है, यू आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग अ डिफरेंट साइड, लव इज नॉट ऑल अबाउट आस्किंग द पर्सन टू चेंज, बट इट इज ऑल्सो अबाउट टू चेंज योर सेल्फ अ लिटिल बिट फॉर द अदर पर्सन, इट हैज टू बी ऑलवेज इक्वल। यू नो आरुषि, तुम एक एनवायरमेंटलिस्ट हो, तुम एक डांसर हो, तुम ऑब्वियसली एक पोलिटिकल बैकग्राउंड को बिलोंग करती हो, क्या ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करता है तुम्हारे शोल्डर में टू डू द काइंड ऑफ वर्क यू हैव टू डू इन द एंटरटेनमेंट बिजनेस, हो मूवीज हो वीडियोस हो, उसकी वजह से तुम्हें चार बार सोचना पड़ता है बिफोर पिकिंग अप अ प्रोजेक्ट? जी हाँ, जब मैं प्रोजेक्ट चुनती हूँ तो मेरे परिवार का कोई ऑब्लिगेशन उस पर नहीं होता, बट क्योंकि आप एक सर्टन तरीके से बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए होते हो तो आपकी चॉइसेस भी वैसी हो जाती है। इफ यू पर्सनली आस्क मी, ये म्यूजिक वीडियो के लिए भी मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे और मैं लगातार लोगों को यही तब से बता रही हूँ, क्योंकि व्हेन यू आर डूइंग योर फर्स्ट थिंग एवर आप कभी भी नेगेटिव नहीं दिखना चाहोगे, और मुझे ऐसा लगता था, मैंने जब बात भी होती थी तो मैं भूषण जी से पूछा भी कि भूषण जी आप मेरे से पहली बारी करवा रहे हो और पीपल गोना हेट मी बिकॉज आई एम गोना यू नो मेक हिमांश सच अ क्यूट बॉय इन एवरीबॉडीज आईज एंड यू नो पीपल गोना हेट मी फॉर दिस। यू नो आपके पिताजी रमेश जी, रिस्पेक्टेड रमेश जी, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है, कहीं उनको देखकर उनके नक्शे कदम पर पॉलिटिकल एम्बिशंस है,
to be out there and change the world as a politician ऐसी है feeling? जी change the world तो certainly है और जैसे आपने बताया मैं कथक एक्सपोनेंट भी रही हूँ और मुझे 18 साल से ऊपर हो गया है I have traveled more than 15 countries 15 से ज्यादा देशों में जाकर मैंने बताया है कि कथक मेरे देश का है और ये आर्ट फॉर्म है लोगों को सिखाया भी है तो मुझे नहीं पता व्हाट गॉड हैज प्लान फॉर मी आई ऑलवेज प्लान कि जो भगवान ने मेरे लिए सोचा है मैं काम करती रहूं कर्म करती रहूं फल की चिंता ना करूं सो आई डोंट नो वेयर इट विल बी टेकिंग मी बट अभी मेरा जो बहुत बड़ा फोकस है आई एम कमिंग एज एन एक्टर बहुत सारे प्रोजेक्ट साइन किए हैं तो अभी ज्यादा उस तरफ देख रही हूँ क्या बात है यार हम चाहेंगे आपकी हर फिल्म ब्लॉकबस्टर हो आपके ब्लॉकबस्टर फिल्मों की इंटरव्यू करें आरुषि यू हैव अ लवली हस्बैंड अभिनव पंत अपनी लव स्टोरी हमें भी बताइए ताकि सुन के हम भी खुश हो जाएं बाबा या मैं भी सुनना चाहूंगा यस एक्चुअली मी एंड अभिनव वर फैमिली फ्रेंड्स एंड it's a real emotional story an emotional episode happened to me my mother was suffering from cancer and we lost her in 2013 aur wo unki childhood friend thi Abhinav's mother and my mother and my sasu ma they have decided everything together aur when my mother passed away uske kuch time baad my father came to me and he checked on me his family checked on him because he was always been such a shy guy that we only know Abhinav a guy who come and sit in the corner in all the family gathering so this happened and with my mother blessings Abhinav was in London and he happened to land on that time only जिस टाइम मेरी मदर बीमार थी और ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा कोइंसिडेंट है कोइंसिडेंस है कि जिस दिन मेरी मदर ने मुझे छोड़ा उसी दिन अभिनव का बर्थडे भी आता है तो ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए एक बहुत बड़ा साइन था दैट दिस इज अ गिफ्ट माय मदर हैज लेफ्ट फॉर मी कि उनके जाने के बाद भी मुझे कभी अकेलापन महसूस ना हो एंड आई फील रियली रियली ब्लेस्ड टू हैव अ फैमिली लाइक दैट एंड अ हस्बैंड लाइक हिम So yes, it's all about that. How sweet, Himanshu. अभी तुम मुझे candid answers देना. पहली किस तुम्हारे life में कौन सी उम्र में थी और कैसी थी? 11th नहीं, 10th standard. अच्छी थी, बुरी थी? पता ही नहीं चला actually. वो बहुत फंस गया था school में उसके बाद में बहुत दिक्कतें हुई थी. बहुत तमाशा हो गया था. मतलब तुमने जबरदस्ती किस किया क्या? अरे किस तो किया उसके बाद में घर वालों से भी मार पड़ी थी क्योंकि पता लग गया था सबको और स्कूल में ही मार पड़नी शुरू हो गई थी. So, हाँ, वो किस्सा मैं कभी नहीं भूलूंगा. वो किस का किस्सा मैं कभी नहीं भूल सकता. पर किसने बता दिया तुम्हारे माँ बाप को जाके कि तुमने किस किया? पता नहीं यार कौन था. वो मेरा दोस्त था, वो मेरा दुश्मन था, जिसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने बता दिया और वो ऐलान कर दिया पूरे स्कूल में कि कुछ ऐसा हुआ. एंड देन या फंस गए तो क्या करें. फर्स्ट ब्रेकअप उसी के साथ आई थिंक लेटर ऑन. Wow. So on that note, thank you so much, Arushi. So I wish you well. And Himanshu, next time milenge to achhi girlfriend pa lena bhai, taki uske saath interview karu Himanshu aur uski girlfriend. Haan? Ye dekho, ye aapne ek aur cheez bade bhai wali zimmedari dal di mujh pe ab aapne. jaldi hoga. I'm sure you'll also get to know. Jaldi. Aapko koi hai kya abhi? Abhi nahi hai abhi. Pata nahi laga abhi. Kuch batate hain, baat karte hain iske bare mein. अलग से फोन कॉल पे. मैं समझ गया, यानी के गेटिंग टू नो वाला फेज चल रहा है तो देखते हैं.